कर्नाटक चुनाव के बाद फिर से एक फ्रेज जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, वो है द ग्रेट इलेक्शन मशीनरी ऑफ द बीजेपी। और आज यही समझते हैं कि ये मशीनरी इतना, मतलब इतना यूनिक कैसे बना, इसको क्या ड्राइव करता है कि अनइंटरप्टेड टायरलेसली ये लगातार काम कर रहा है। इस मशीनरी को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। हाल के दिनों में दो इलेक्शंस हुए हैं, एक पश्चिम बंगाल में और बिहार में, और इसी इलेक्शन के कवरेज के दौरान मैं रेंडमली तीन पार्टी के छोटे छोटे ऑफिसेस में गया और तीनों जगह बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिस्पांस मिला। पहला एक पार्टी दफ्तर में रिस्पांस आया कि मैं तो दिन रात लगा हुआ हूँ काम करने में, और अगर पार्टी जीतती है हमारी पार्टी तो पता नहीं उसका रिजल्ट हमको कब तक मिलेगा। दूसरे दफ्तर में मैं गया तो वहाँ रिस्पांस आया कि मरना भी पड़े कोई बात नहीं है, क्लास एनिमी से लड़ने के लिए ये सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। तीसरे दफ्तर में इलेक्शन जीतने या हारने की ही सिर्फ बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कि हमको राष्ट्र निर्माण करना है, और इसी ड्राइव के साथ वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे। अब इस तीन कहानी में जो तीन पार्टी ऑफिस का मैंने नाम लिया, एक है जेडीयू का दफ्तर, दूसरा सीपीएम का और तीसरा बीजेपी का, तीनों के लैंग्वेज में आप नुआंस में क्या फ़र्क है ये आप इस पर गौर कीजिए। जनरली अपने देश में पार्टीज़ और वर्कर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, मतलब वर्कर ये कहता है कि हम आपको चुनाव जिताने में मदद करेंगे, बदले में ये भी अभी से तय हो जाए कि बदले में हमको क्या मिलेगा। ये बाय एंड लार्ज सेंट्रिस्ट पार्टी का यही पोजीशन रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और यही फिर वोटर्स के पास भी जो मैसेजिंग होता है तो वोटर के साथ भी पार्टी का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। लेकिन यूनिकनेस बीजेपी का के इलेक्शन मशीनरी का यही है कि डिलीवरी से वो चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है, इसीलिए डिलीवरी के चलते या नहीं होने के चलते वर्कर्स का मोह भंग नहीं होता है। बीजेपी में लीडर, पार्टी कैडर और वोटर्स के बीच जो एक कॉमन पर्पस है, वो कॉमन पर्पस है महान हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। तो चूंकि सपना टेंजिबल नहीं है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है जिसको देखा जा सकता है, उस पर कोई टाइमलाइन नहीं है कि हिंदू राष्ट्र निर्माण कब तक हो जाएगा, और ये भी पता नहीं है कि महान हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप से थोड़ा अलग है, और इसीलिए ये मशीनरी जो है हमेशा चार्ज रहता है, हमेशा मोटिवेटेड रहता है, और इसको सप्लीमेंट करता है आरएसएस के 60,000 कम से कम शाखाओं से जुड़े बहुत सारे लोग। इस मशीनरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वादा किया गया और कितना पूरा हुआ। इस मशीनरी को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री ने, पार्टी अध्यक्ष ने इस रैली में ये कहा, ये सही था या ये गलत था। और जैसे ही इस मशीनरी से पूछा जाता है कि डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब तक होगा, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है कि हमारा उद्देश्य इस सबसे इमीडिएट टेंजिबल बेनिफिट से बहुत बड़ा है, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हम लड़ रहे हैं, बहुत बड़े सपने बुनने में हम लगे हुए हैं, छोटी मोटी बातें तो आज नहीं हुई है कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। इस मशीनरी की खासियत हम बार बार देख रहे हैं। अब बीजेपी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल 21 स्टेट्स में है। ये मशीनरी कितना इफेक्टिवली डिलीवर करता है, इसका एक आंकड़ा ये देख लीजिए कि बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 31% वोट्स मिला था और 282 लोकसभा सीट्स, मतलब परसेंटेज ऑफ वोट्स कन्वर्टेड इनटू सीट्स, ये इंडिया के इलेक्टोरल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, और यही रिकॉर्ड बार बार हर इलेक्शन में दोहराया जा रहा है। तो यही यूनिकनेस है इस मशीनरी का। एक चुनाव जीतने के बाद उसका रिस्पॉन्स होता है कि हम सपने से एक कदम और नज़दीक पहुँच गए। आप इस मशीनरी का हिस्सा हों या इसे दूर से देख रहे हैं, ये एक तरह का यूनिक स्ट्रक्चर है जिसको ठीक से समझने की ज़रूरत है, अगर इंडियन इलेक्शन को ठीक से समझना है तो।